चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, अंदेशक न्यूज आपके संघर्ष के साथी, मैं हूं आपके साथ टीके देव। अंदेशक लीडर विक्रम सिंह ने लिया है दो बच्चों को गोद। परिषदीय विद्यालयों में अब जाना होगा मास्क लगाकर। शिक्षा मित्रों को मिलेगा 11-15 दिन का मानदेय। क्या अंदेशकों का भी नहीं कटेगा छुट्टियों का मानदेय? जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। विक्रम सिंह अंदेशक लीडर, वो व्यक्तित्व, वो शख्स जिन्होंने अपने संघर्ष से अपनी पहचान बनाई और अंदेशकों की हर बेहतरी के लिए तत्पर रहे, आज उन्होंने अपने विद्यालय के दो बच्चों को गोद लिया है जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। कक्षा 7 में पढ़ रहे शैलेश और लकी दोनों को गोद लिया है और पूरी दुनिया को, पूरे शिक्षा विभाग को ये संदेश दिया है कि हम भले आर्थिक रूप से कमज़ोर सही, लेकिन हमारी हिम्मत उन अमीर ज़ादों से कहीं ज़्यादा है जो अपने आप को बादशाह समझते हैं, अपने आप को खुदा समझते हैं और अपने आप को धन्ना सेठ समझते हैं। आज अंदेशकों के इस महान कार्य से ये ज़रूर विरोधियों को पता चलेगा कि ये सब 9,000 रुपये के अल्प मानदेय में कैसे कर लेते हैं, कैसे अपना गुजारा चला लेते हैं। ये ज़्यादा तकलीफ होने वाली उन सभी के लिए। मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से आदरणीय विक्रम सिंह जी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि सर आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और यूं ही हम सभी के साथ जुड़े रहें। जो आपने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। हम सलाम करते हैं आपकी हिम्मत को, हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं आपके इस देशभक्त के जज्बे को। इंसानियत के देवता है हमारे लिए। साथियों, एक और खबर है यहाँ पर। प्रयागराज से ही समाचार है, कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण का असर शुरू होने लगा है, साथ ही स्कूल भी खुल गए हैं। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक चुनौती है, इसके लिए शिक्षा विभाग ने सतर्कता व्रत रखी है। ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण बच्चों को छू ना सके। मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को सख्त हिदायत दी गई है क्योंकि इसी मिड डे मील को बच्चे खाते हैं। तो आइए जाने प्रयागराज ने शिक्षा विभाग में कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए हैं, क्या कुछ तैयारी की है। आपको बताना चाहेंगे, परिषदीय स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थियों के लिए मास्क लगाना शिक्षा विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों के लिए खास निर्देश हैं। रसोइयों को कोविड-19 का टीका लगवाना अनिवार्य है। टीका न लगवाने वाले मिड डे मील ना बनाएं, ऐसी हिदायत दी गई है क्योंकि इन्हीं के बनाए भोजन बच्चे खाते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं। ये थी कुछ खास खबर। क्या आपने डिबेट सुनी? अंदेशकों के मसीहा शिव कुमार मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा? क्या आपने जाना? विक्रम सिंह जी ने क्या अंदेशकों के लिए कहा? नहीं जाना तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं विक्रम सिंह जी के लिए। अनुदेशक महिला है
बच्चों के खातिर निशुल्क कार्य करने के लिए तैयार है, इतना बड़ा हमारा दिल है। लेकिन तुम घोषणा करो ना, तुमको तो फर्जी आवा मंडल बनाकर घोषणा, फर्जी आवा मंडल बनाकर चलना है, फर्जी बातें करना है, लंबी लंबी बातें करना है, लेकिन जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देना है। आज चल लगभग 1 अप्रैल से सेशन प्रारंभ हुआ है, अभी भी उत्तर प्रदेश के विद्यालय में किताब नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करोगे कि मैंने ये दे दिया, वो दे दिया। अरे क्या दे दिया, 1100 रुपए में 2 जोड़ी ड्रेस की बात करते, जूता देने गार्जियन के अकाउंट में 1100 रुपए उन्होंने भेजा है, और कहते हैं 2 जोड़ी ड्रेस सिलवाओ, जूता खरीदो, मोजा खरीदो, बैग खरीदो, स्वेटर खरीदो। हम तो आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के सभी सांसदों विधायकों को चैलेंज करते हैं कि कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री जी को भी चैलेंज करता हूं कि आप 1100 रुपये में आप इतना कार्य करके दिखा दो, 2 जोड़ी ड्रेस खरीद के दिखा दो, जूता मोजा स्वेटर बैग खरीद के दिखा दो, हम मान जाएंगे। अरे क्या बात करोगे आप, उत्तर प्रदेश का निदेशक 9000 में, अभी अपना परिवार लगभग 200 वर्षों से तो हम 7000 में अपना परिवार चला रहे थे। क्या इस देश में, क्या इस प्रदेश में कोई ऐसा सांसद विधायक, हम तो महामहिम राष्ट्रपति जी से भी कहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी कहते हैं, इस प्रदेश के मुखिया से भी कहते हैं कि आप 7000 में अपना परिवार चला कर दिखा दो। हम चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम देश सेवा करने आए हैं। अरे जब देश सेवा करने आए हो तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की सुविधाएं क्यों ले रहे हो, फोन के नाम पर, पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर, यात्रा के नाम पर, सचिव के नाम पर, लगातार इनको सुविधाएं मिलती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, संविधान में कहीं ना कहीं एक कमी है कि क्वालिफिकेशन की बात नहीं करते। हम विद्यालय में है, हमारे क्वालिफिकेशन के बाद हमको नौकरी देते हो, लेकिन आप देश को चलाने की बात करते हो, प्रदेश को चलाने की बात करते हो, तो अपनी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं तय करते हो? और यदि आप क्वालिफिकेशन, आप तो कहते हो सेवा करने आए हैं, तो फिर मेवा क्यों खाते हो? और यदि सेवा नहीं करने आए हो, आपको सुविधाएं मिलती है, आपको वेतन मिलता है, तो फिर आपकी परीक्षा क्यों नहीं होती? आपकी भी परीक्षा होनी चाहिए, जिस प्रकार से टेट होती, सीटेट होता, आपका भी एबीटी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? चोर चोर मौसेरे भाई है सर। आज तो वरुण गांधी जी का हम बधाई देना चाहेंगे कि देश के पहले ऐसे सांसद हुए जिन्होंने आज पेंशन बंद करने की बात हुई। क्या इन 800 सांसदों को और इस 10000 विधायकों के अंदर इतनी इनकी जरूरत, इनकी जमीन नहीं जाएगी? यहाँ जब कर्मचारी को पैसा नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 7000 में अपना परिवार चलाता, उत्तर प्रदेश का ग्राम प्रहरी 2500 में अपना परिवार चलाता, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 10000 में परिवार चलाता, और आप तो 1 लाख रुपया सिर्फ फोन के आपको मिलते हैं, जबकि जियो का फोन 300 रुपया में फ्री मिलता है, 600 रुपया प्रतिदिन, हमको सर 300 रुपया प्रतिदिन मिलता है, और इस प्रदेश के, इस देश के सांसदों को 600 रुपया सिर्फ कपड़े धुलाई के लिए मिलते हो, और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 850 रुपया बोतल का पानी पीते हो, और हमको देने के लिए आपको पैसा नहीं, ग्राम प्रहरी को देने के लिए आपको पैसा नहीं, अनुदेशकों को देने के लिए पैसा नहीं, शिक्षा मित्रों को देने के लिए पैसा नहीं, हमारे प्रोफेसर साहब को देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन फर्जी बातें बहुत करोगे तो इस देश की जनता अब लगातार जागने का कार्य कर रही है, और जिस प्रकार से आप लोगों ने इस देश के जनता को लगातार जगाने का कार्य किया है, वो दिन दूर नहीं जब इस प्रदेश के ऐसे नेताओं का इस देश की जनता हिसाब लेगी और पूछेगी, तुम बताओ तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने अभी तक। मेरा आप सभी महान अंधिशक प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि आप
प्रतिदिन होने वाली डिबेट से अधिक जुड़ें और अपने हक की इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपने आप को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, देश और दुनिया को बताएं कि आप कितने मानदेय में कार्य कर रहे हैं देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो अनुरोध है कि आप स्पेशल कवरेज न्यूज़ से अवश्य जुड़ें, जो कि प्रत्येक दिन शाम 8 बजे शिव कुमार मिश्रा जी के द्वारा आयोजित की जाती है और आपकी इस लड़ाई में वो तन मन धन से लगे हुए हैं। मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।